हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी लाइव। आज हम लोग डी ट्रिपल एसबी फार्मासिस्ट के लिए जो हमारी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें हम लोग रीजनिंग की बात करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग समझेंगे और करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर ब्रदर, ब्रदर्स जेड इज द सिस्टर ऑफ एक्स, Y is the brother of Q and Q is the daughter of Y. Then how is X related to P? Okay, देखिए यहाँ पास क्या है, हमारा X और Y दोनों brother है, मतलब दोनों के दोनों एक ही family से belong कर रहे हैं, एक ही generation से belong कर रहे हैं। Okay, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास कुछ term बनाने, कुछ symbol बना लेंगे। Male के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर rectangular block बना लेंगे। Male के लिए यहाँ पास क्या हो गया, X and Y, X और Y हमारे क्या हो गए, ये दोनों ब्रदर हैं, दोनों आपस में क्या है, ब्रदर हैं। यहां पे मैंने लिख दिया ब्रदर। और यहां पास क्या बोल रहा है, Z इज अ सिस्टर ऑफ X। यहां पास अगर देखें तो एक Z भी है, Z जो है सिस्टर, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सर्कल से डिनोट कर लेंगे। मतलब ये क्या फीमेल, फीमेल को डिनोट कर रही है, सर्कल हमारा फीमेल डिनोट करेगा और रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होगा, स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स जो भी कह लें आप, वो हमारा मेल को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा क्या हो गया, सिस्टर हो गया, Z जो है सिस्टर है। ओके, देन P is the brother of Q। अब यहां पे देखें, इन तीनों से कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है इस स्टेटमेंट P एंड Q का, बस ये बोल रहा है P is the brother of Q। तो P को हम यहां पर रख लेते हैं, P P male है तो P brother हो गया, किसका, Q का brother है, ठीक है। And Q is the daughter, अब Q क्या है, यहां पास female है, Q is the daughter of Y, Q is the daughter of Y, ये daughter है, Q is the daughter of Y। Then आपसे पूछा then how is X related to P? Then X related to P। अब बताइए ये इसकी daughter है, ये dot Q daughter है Y की, तो यहां पास ये क्या हो जाएगा, कहीं दोनों भाई, यहां पास भाई बहन है दोनों, ये brother and sister है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये चाचा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा P का, ये uncle हो जाएगा। तो हमारा answer क्या हो जाएगा, uncle हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, मैंने ये कहा है कि जो हमारा rectangular block है या square block है उसको male लेके चलेंगे और circle को हम लोग अब लोग female मान के चलेंगे। पहली जनरेशन को दिखा रहा है X एंड Y आर ब्रदर्स, तो मैंने X और Y दोनों को ब्रदर लिख दिया। फिर Z इज द सिस्टर ऑफ X, Z को मैंने क्या कर दिया, सिस्टर कर दिया। ओके, X के सिस्टर हो गए। फिर बोल रहा है P इज द ब्रदर ऑफ Q, P जो है ब्रदर है यहां पास, ये P ब्रदर है। ओके, P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो यहां पे अगर आप देखें P ब्रदर है Q का, मगर यहां से भी रिलेशन नहीं बन रहा, मगर अगली लाइन में बोल रहा है Q इज द डॉटर ऑफ Y, Q जो है डॉटर है, इसकी डॉटर है, तो इसके ये क्या होंगे, इसके चाचा होंगे, अंकल हो जाएंगे। तो ये दोनों का रिलेशन, दोनों भाई बहन, तो क्या हो जाएंगे, अंकल मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चेक करते हैं हम लोग, अंकल मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं यहां पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा। यहां पर बोल रहा है, देखिए एक सीरीज है, एक फॉर्म दे रहा है, यहां पर हम ध्यान से समझें, 2, 3, 6, 11, 18, then आपसे बोला नेक्स्ट। ओके, तो यहां पास अगर हम देखें तो यहां पे डिफरेंस को देखा जाए तो यहां पे कितना ऐड हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है। यहां से अगर हम यहां देखें तो मेरे पास कितना हो रहा है, ये प्लस 6 हो रहा है। ओके, और ये वाले सिस्टम को देखें अगर तो कितना हो रहा है, यहां पास अगर हम देखेंगे तो 8 हो रहा है। देन ओके, ये वाला सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, जस्ट मिनट देखिएगा, यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या कहना चाह रहा है। यहां पे प्लस 1 हुआ है, ओके, प्लस 1, यहां पे हमारा कितना हुआ है, प्लस 3 हुआ है, फिर यहां पे हमारा कितना हुआ है, प्लस 5 हुआ है, फिर यहां पे हमारा कितना हुआ है, प्लस 7 हुआ है। तो अगर आप इसको देखें ध्यान से तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक ऑड नंबर सीरीज को फॉलो कर रहा है, ऑड एंड प्राइम नंबर की सीरीज को फॉलो कर रहा है, प्राइम नंबर की सीरीज को। तो हमारे पास ऑड एंड प्राइम है ये, मगर जो हमारे पास देखें तो अगला हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 1, 3, 5, 7, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑड नंबर आ रहा है, यहां पास तक तो प्राइम नंबर है बट ये क्या ऑड नंबर को फॉलो कर रहा है। अगला नंबर क्या होगा मेरा, 9 हो जाएगा, तो 18 प्लस 9 मेरा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो 27 मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, आप डिफरेंसेस को निकाल लीजिए जैसे मैं पहले कर रहा था, मगर मैंने मुझे दिखा कि वो डिफरेंस से काम नहीं बनने वाला है, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पास आप सीरीज को चेक करिए किस फॉर्मेट में बढ़ रही है।
यहाँ पे एक वन बढ़ रहा है, यहाँ पे थ्री बढ़ रहा है, यहाँ पे देखें तो फाइव गेन कर रहा है, यहाँ पे सेवन गेन कर रहा है, तो अगला आपका कितना गेन करेगा, नाइन गेन करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आंसर हमारा क्या कहना चाह रहा है। 27 मेरा आंसर हो गया। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिए, प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन। ओके, तो 27 मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 11 एंड 100 विच आर डिविजिबल बाई 7 बट नॉट बाई 3। ओके, मुझे नंबर्स निकालने हैं, कितने नंबर निकालने हैं जो 7 से डिविजिबल हो, कहां से, 11 से लेके 100 के बीच में, सिर्फ और सिर्फ 7 से डिविजिबल हो मगर 3 से डिविजिबल ना हो। अगर हम उसको ध्यान से समझें तो 7 से डिविजिबल होने वाला नंबर हमारे इस रेंज में, पहला नंबर मेरा 14 है, दूसरा नंबर मेरा 21 है, फिर 28 है, फिर 35 है, 42, ऐसे देखिए, समझिएगा ध्यान से। अगर हम देखें तो ये 14 हो गया, फिर ये 21 को अगर देखें तो ये 3 से भी कट रहा है ये, तो हमें लेना क्या, 3 से डिवाइड ना हो, सिर्फ और सिर्फ 7 से हो, तो 3 से डिवाइड होने वाला नंबर को हटा देना हमको। कैसे हटाएंगे आप देखिए, 7 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे 21, जो नंबर 21 से कटेगा वो 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। देखिए 21 और 42 दोनों 21 से कटते हैं तो 3 से भी कटेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में कि हम यहां पास डिवाइड लगा लेंगे, 1 से लेकर के 100 के बीच में हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं उनको देख लेते हैं। 1 से लेकर 100 के बीच में हमने पहले 7 के लिए कर लिया, 7 से डिवाइड किया, 7 14s are 98 होता है, 7 14s are 98 होता है, तो मतलब मेरे पास 14 नंबर है, कहां से, 1 से लेकर के, ये 100 जो मैंने किया है ये 1 से लेकर के मेरा 100 तक है 14 नंबर, बट हमें तो 11 से लेना है, तो एक नंबर छूट जाएगा मेरा, 7 जो है छूटेगा, तो मेरे पास यहां जो नंबर हो जाएंगे वो टोटल 13 नंबर होंगे 11 से लेकर 100 के बीच में जो 7 से डिविजिबल होगा। अब 21 वाले कितने नंबर होंगे, 11 से 100 के बीच में देखेंगे 21 वाला नंबर, पहला नंबर 21 होगा, तो 100 को आपने क्या किया, 21 से डिवाइड कर दिया, तो 4 टाइम्स में 84 होता है, मतलब 4 नंबर ऐसे हैं जो 21 से कटेंगे जो 3 से भी कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 13 माइनस 4, 9 मेरा आंसर हो जाएगा, 9 मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मैंने क्या किया कि मैंने चेक कर लिया कि 100 तक कितने नंबर में 7 से डिविजिबल है, ये मैंने 1 टू 100 लिया, मगर हमको लेना 11 टू 100 है, तो मैं 7 को बाद में हटा दूंगा, तो 14 आए, 7 को हटाने के लिए मैंने एक नंबर बाहर कर दिया, 13 नंबर टोटल है। फिर मैंने कहा 21 से चेक कर लेता हूं, मैं 21 से कितने डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने देखा 4 नंबर 21 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, 13 माइनस 4 कितना हो गया, 9 नंबर मेरा आंसर हो गया। ओके, चलिए चेक करते हैं, 9, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है, यहां पर आप एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। ओके, तो ये मेथड से किया है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया, मेथड से भी आप कर सकते हैं कि लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर निकाल लीजिए। देखिए यहां पर लिखा है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन कॉमन डिफरेंस, जो भी कॉमन डिफरेंस मतलब 7 का है वो ले लिया, प्लस 1 कर दिया। ओके, तो यहां पर सॉल्व किया आपने, कितना आ गया आपके पास, जो भी आया 13 नंबर आ गए, मैंने 13 निकाला था, फिर 21 का निकाल लिया हमने, 21 के लिए 84 लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर ये हो गया प्लस 1, तो 4 नंबर 13 माइनस 4 कितना हो गया, 9 हो गया मेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, अमंग 5 फ्रेंड्स मीना इज टॉलर देन नीला, ओके, बट एज टॉल एज प्रेमा। अच्छा, ओके, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पास जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, मीना और प्रेमा दोनों के दोनों इक्वल है, देखा जाए तो बोल रहा है 5 फ्रेंड्स मीना इज टॉलर देन नीला बट एज टॉल एज प्रेमा, मतलब प्रेमा की जितनी ही टॉल है मीना भी, ठीक है, मगर नीला से बड़ी है, तो ये क्या होगी, नीला से ग्रेटर हो गए। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला, आशा इज टॉलर देन सपना, आशा क्या है, आशा इज टॉलर देन सपना, सपना से बड़ी है आशा। ओके, बट नॉट एज टॉल एज नीला, बट नीला से बड़ी नहीं है, ध्यान रखिएगा यहां पर, नीला से बड़ी नहीं, मतलब नीला हमारी क्या है, बड़ी है, नीला ग्रेटर है, नीला जो है आशा से बड़ी है। तो अब यहां पे पूछा, अगर हम यहां पर इस चीज को यहां पे सेट कर लें, एक सीक्वेंस बना लें, अब आपसे बोला गया क्या, हु इज द शॉर्टेस्ट, अब आपको सिंपल सा समझ में आ रहा है कि सपना जो है वो सबसे छोटी है इस ग्रुप में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सपना हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं अपना आंसर, सपना मेरा आंसर हो गया। यहां पे एक्सप्लेनेशन भी है आपके पास, ये आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ चुका है, क्या कहना चाह रहा है,
लेट अ नंबर विथ थ्री डिजिट्स हैज फॉर एट्स मिडिल डिजिट द सम ऑफ द अदर टू डिजिट्स देन दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ व्हाट. ओके, यहां पर थ्री डिजिट नंबर है जिनका मिडिल डिजिट जो है वो इक्वल है अदर टू डिजिट के सम के इक्वल है, तो आपसे पूछ रहा है यहां पे वो किसका मल्टीपल है. यहां पे ऑप्शंस आपको दिए हैं, चलिए हम लोग चेक करते हैं. यहां पे थ्री डिजिट्स नंबर है, सपोज दैट थ्री डिजिट नंबर क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं. थ्री डिजिट नंबर मान लीजिए हमने एबीसी के फॉर्म में लिया, तो या एक्स वाई जेड जो भी है. ओके, थ्री डिजिट नंबर आप लिखेंगे कैसे देख लीजिएगा. मान लीजिए मैंने एबीसी, मैंने डिजिट ले ली एबीसी. ओके, ए बी सी ये यूनिट प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, और ये मेरा हंड्रेड प्लेस हो गया. इसको लिखने का तरीका क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, प्लेस वैल्यू बताना पड़ेगा. हंड्रेड ए प्लस टेन बी प्लस सी, ये तरीका है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ओके, ये हो गया मेरा थ्री डिजिट नंबर को मैंने लिख दिया, ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर थ्री डिजिट नंबर है. अब यहां पे जो कंडीशन बोल रहा है कि डिजिट हैज फोर इट्स मिडिल डिजिट द सम ऑफ द अदर टू डिजिट, मिडिल डिजिट जो है वो क्या है, सम है किसका, अदर टू डिजिट का. ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास. अगर मैं बी की वैल्यू यहां पे पुट करूं तो कुछ रिलेशन निकल के आएगा. बी को उठा के मैं यहां पे पुट करता हूं, देखता हूं क्या निकलता है. तो यहां पे हो गया हंड्रेड ए प्लस टेन, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, सी प्लस ए आ जाएगा प्लस सी. अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. हंड्रेड ए प्लस टेन सी प्लस टेन ए प्लस सी, अगर मैं यहां पे जोड़ू 10a प्लस 100a प्लस 10a कितना हो जाएगा 110a, और 10c प्लस 1c कितना हो जाएगा 11c. तो यहां पे देखें तो क्या हो रहा है, 11 कॉमन हो जा रहा है, 11 कॉमन होने पे ये 10a प्लस c आ रहा है, तो ये 11 का मल्टीपल है, मतलब 11 में मल्टीप्लाई होगा इस नंबर में, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल भी होगा. तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 11, कि ये जो नंबर है ये मल्टीपल ऑफ 11 है. ओके, तो आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. चलिए चेक करते हैं आंसर. 11 यहां पे एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव. देखिए यहां पे पिक वन ऑड वन है, आपके पास पिक करना है आपको ऑड कौन सा है. तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं कि क्या है ऑड करने का तरीका. यहां पर हम लोग ध्यान से समझे, यहां पास आपके पास वेरिएबल वाली सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज है. तो अगर हम यहां पे ध्यान से समझे, सी मेरा कितना होता है, सी का अगर हम अल्फाबेटिकल नंबर्स की बात करें कि सी कौन से पोजीशन पे आता है, तो सी मेरा जो है अगर यहां पे देखूं मैं सी एक्स ए, सी मेरा 3 हो गया, ये 24 हो गया, एक्स मेरा 24 होता है, और ए क्या है, एक्स के बाद कितने पोजीशन के बाद आ रहा है, 25 26 देन ए आता है, ए आता है, मतलब ये क्या 3 पोजीशन के बाद आ रहा है प्लस 3. ओके, दोनों का सम कितना हो गया 27, दोनों को जोड़ने पर 27. यहां पे देखिए एम और एन, एम और एन को देखेंगे, एम मेरा होता है 13, एन मेरा होता है 14, दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया 17 हो गया. एन के बाद क्यू आ रहा है, एन के बाद देखें तो एन ओ पी क्यू 17, 17 नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है, तो मतलब कितना हो जाएगा प्लस 3 आगे बढ़ रहा है. तो मतलब क्या है मेरा, ये सीक्वेंस बना रहा है, 27 इनका सम आ रहा है, थर्ड पोजीशन आ रहा है, अगला थर्ड आ रहा है. ठीक है, तो हम यहां पर चेक करेंगे तीसरा हमारा क्या कह रहा है, पी मेरा 16 होता है, के मेरा 11 होता है, दोनों 17 हो गया, और यहां पे एन मेरा देखूं तो मेरा कितना है प्लस 3 आ रहा है, के बाद 11 है, ये 14 होता है, तो प्लस 3 के बाद मतलब 3 स्टेप के बाद आ रहा है. यहां पे देखें H और S आ रहा है, तो यहां पे देखा जाए तो H मेरा हो गया 8, S मेरा हो गया 19, तो 8 प्लस 19 27 हो गया. बट यहां पे देखें U जो होता है मेरा 21 होता है, मतलब 2 ही स्टेप के बाद आ रहा है U मेरा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो मेरा है और सब में प्लस थ्री हो रहा है, मगर यहां पे क्या हो रहा है मेरा प्लस 2 हो रहा है, तो इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा. एच एस यू जो हो जाएगा मेरा, ये ऑड वन आउट हो जाएगा. ओके, चलिए चेक करते हैं आंसर. एच एस यू मेरा क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया. एक्सप्लेनेशन आप यहां पे देख सकते हैं, हमारा एक्सप्लेनेशन यहां पास है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है. इन द सीरीज 2 6 1854 व्हाट विल बी द एर्थ टर्म. आपसे एर्थ टर्म पूछा हुआ है. सबसे पहले हम इस सीरीज को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे कि कहना क्या चाहता है ये. अगर हम इसको ध्यान से देखें
तो मेरे पास क्या है नंबर 2, 6, 18 एंड 54. तो ये नंबर कैसे यहां पे आ रहा है इंटू थ्री होने पर, ये कैसे आ रहा है इंटू थ्री होने पर, ये कैसे आ रहा है इंटू थ्री होने पर, मतलब आगे भी इंटू थ्री चलता जाएगा. तो अब ये कैसी सीरीज है आपका, क्योंकि सेम रेशियो का मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये मेरा जीपी है, जीपी मेरा सीरीज है. तो मैं मुझे एट्थ टर्म निकालना है, एट्थ टर्म निकालने के लिए मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ए आर 8-1, ये हो जाएगा. ए इज माई फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल क्या है, 3-3-3 है. ओके, तो ए मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, 2 हो जाएगा, आर मेरा 3 हो जाएगा, 8-1 मेरा कितना है, 7. तो 3 raised to the power 7 मेरा हो जाएगा 2187. और इसको जब मैं डबल मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 7 14, 2 8 16 17, 4374 मेरा आंसर हो जाएगा, 4374. ओके, ये एक जीपी सीरीज है, ध्यान रखिएगा. ओके, तो यहां पर कॉमन मल्टीपल हो रहा है इसलिए. चलिए चेक करते हैं आंसर अपना हम लोग, 4374. यहां पे मेरा एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हैं यहां पर एक्सप्लेनेशन जो भी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, ये ऑर्डर रैंकिंग है, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन आया है. इन अ रो ऑफ ट्रीज, अ ट्री सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड द फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, हाउ मेनी ट्री आर देयर इन द रो. आपसे बोला गया है कितने ट्री हैं रो में, टोटल कितने ट्री. देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, किसी एक का कंडीशन आपको बता दे कि उसका लेफ्ट की तरफ पोजिशन क्या है, लेफ्ट की तरफ, ओके, और उसका राइट की तरफ पोजीशन क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो आपको उसका टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, जो लेफ्ट की पोजीशन है उसको प्लस राइट की जो पोजीशन है उसको दोनों को ऐड करिए और माइनस वन कर दीजिए, आपके पास टोटल नंबर आ जाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने हैं. ओके, तो लेफ्ट से मेरा सेवेंथ है और राइट से मेरा कितना है, 14th है, तो माइनस वन कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 21-1, तो 20 मेरा हो जाएगा आंसर, 20 मेरा ये है आंसर. ओके, चलिए चेक करते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा होगा, लेफ्ट से पोजीशन दिया हो, राइट से पोजीशन दिया हो, तो दोनों की पोजीशन को ऐड करिए, माइनस वन कर दिए, टोटल नंबर आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएंगे आपके. चलिए चेक करते हैं, 20 मेरा आंसर हो गया, मेरा एक्सप्लेनेशन है यहां पर. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इफ पी स्टैंड्स फॉर माइनस, क्यू स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, आर फॉर डिवाइड एंड एस फॉर प्लस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन. ओके, ये इक्वेशन है, चलिए मैं यहां लिख लेता हूं, मुझे सॉल्व करना है इसको. 14 क्यू स्टैंड्स फॉर क्या है, क्यू स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा लिया मैंने 3. पी स्टैंड्स फॉर क्या है, माइनस, माइनस लगा दिया. एंड एस स्टैंड्स फॉर, एस फॉर प्लस, प्लस 4. एंड आर स्टैंड्स फॉर, आर, आर स्टैंड्स फॉर डिवाइड. चलिए इसको बॉडमास के रूल से हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपली ये सिंप्लीफिकेशन हो गया मेरा. तो इसको अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42-12 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2-12 + 2-10. ओके, तो 42-10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, 32 मेरा आंसर हो जाएगा, 32. ओके, तो यहां पर जहां जहां पे भी आपके पास क्यू पी आर एस दिया हुआ है, जो सिंबल दिए हुए हैं उनको पुट कर दीजिए, पुट करके बॉडमास का रूल लगा दीजिए. ओके, 32 मेरा आंसर हो गया. एक्सप्लेनेशन आपके पास है, ये सीरीज हमारी डीएसएस डी ट्रिपल एसबी की चल रही है, जिसमें आप लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है रस्ट को. देखिए ये भी क्या है हमारे पास, कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट है. रस्ट को लिखा गया है 9687. ओके, आपसे पूछ रहा है TSUR को क्या लिखा जाएगा. ओके, अगर हम यहां पर देखें, आर को क्या लिख रहा है मेरा, 9 लिख रहा है, और यू एस और टी, तो यहां पे क्या लिख रहा है, 9687 लिख रहा है,
और आपका वैल्यू क्या कर दिया इसने, टी, आपको टी चाहिए, एस चाहिए, यू चाहिए, आर चाहिए, तो टी का वैल्यू मेरे पास कितना है, टी का वैल्यू 7, एस का कितना है 8 है, यू का कितना है 6 है, एंड आर का कितना है 9, 7, 8, 6, 9 हो जाएगा मेरा आंसर, 7, 8, 6, 9 मेरा आंसर हो जाएगा। बस जो लिखा हुआ है उसी को क्या किया है, वेरिएबल को आगे पीछे किया है, तो नंबर को आप आगे पीछे करके सही कर सकते हैं। ओके, 7, 8, 6, 9 मेरा आंसर है, 7, 8, 6, 9 ये रहा एक्सप्लेनेशन, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए बट ट्वाइस यंगर देन एफ, सी इज हाफ द एज ऑफ ए बट इज ट्वाइस ओल्डर देन डी, हु इज द सेकेंड ओल्डेस्ट, आपसे सेकेंड ओल्डेस्ट पूछा गया है कि यहां पे सेकेंड ओल्डेस्ट क्या है। चलिए यहां पे जो भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिला है उसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, नंबर्स में चेंज कर लेते हैं। यहां पे आपके कितने लोग हैं, ए है, बी है और सी है, आपका ए बी सी डी एंड एफ, ये चार लोग हैं आपके पास। ओके, तो बोल रहा है बी इज ट्वाइस ओल्ड एज ए, बी क्या है डबल है, अगर ये सिंगल है तो ये कितना है डबल है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए बट ट्वाइस यंगर देन एफ, बट क्या है ये ट्वाइस यंगर है, मतलब जो आपका एफ है, एफ जो है बी से डबल है, बी से डबल मतलब ये 4 हो गया, एफ जो हो गया वो कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। देन सी इज हाफ द एज ऑफ ए, ए की जो भी एज है उसका हाफ है सी, तो 1/2 एंड इज हाफ एज ऑफ ए बट इज ट्वाइस ओल्डर देन, बट ट्वाइस ओल्डर देन मतलब सी जो है डी इसका ट्वाइस ओल्डर है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1.1/4 हो जाएगा। अगर देखें तो क्या है, इससे ट्वाइस है, अगर 2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज आ जाएगा आपके पास, तो ये मेरे पास बन गया सीक्वेंस बन गया मेरे पास। अब यहां पे हम देखते हैं कौन पूछा आपसे, हु इज द सेकंड ओल्डेस्ट, आपसे बोला है सेकंड ओल्डेस्ट कौन है, तो यहां पे देखिए सबसे बड़ा मेरे पास कौन है, एफ है, उसके बाद बी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर डी है, तो सेकंड ओल्डेस्ट इज माय बी, बी मेरा आंसर हो जाएगा, बी मेरा आंसर हो गया, बी इज द सेकंड ओल्डेस्ट इन दिस सीरीज। ओके, यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया, ये भी आपका एक सीरीज का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का फॉर्म में है। देखिए अब यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, नंबर को हम देख ले, नंबर हमारे यहां पे क्या कहना चाह रहा है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, तो मतलब यहां पे 3 मिस हुआ है, तो ये सीरीज जो हमारी है 2, 3, 4, 5 और 6 की है। तो अब हम देखें 2 पहले B पे आया है, 4 मेरा D पे आया है, फिर 5 मेरा B पे आया है, फिर 6 मेरा C पे आया है, इसका मतलब B के बाद C पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3, तो B जहां पे C पे 3 आ रहा होगा वहीं पे हम देख लेंगे, यहां पे देखिए B C पे क्या आ रहा है, मेरा 3 आ रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, इसी वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी सी थ्री डी। ओके, ये मेरा आंसर हो गया, यहां पे एक्सप्लेनेशन है आपके पास, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, देखते हैं भाई, फाइंड द ऑड नंबर या लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यहां से आपको फिर से क्या करना है, ऑड वन आउट निकालना है, ठीक है, तो यहां नंबर को जरा बहुत ध्यान से समझे, 626 क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है आपका, अगर इसको हम देखें तो ये जो नंबर है मेरे पास 626 में माइनस 1 करेंगे अगर मान लीजिए, या 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 625 होता है, 625 प्लस 1, ओके ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, तो यहां पे देखा जाए तो ये मेरा कॉन्सेप्ट बन रहा है 25 का स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है, 625 प्लस 1 ये हो गया, ठीक है, यहां पे 841 आपका नहीं बन पा रहा है, यहां इसको देखिए जरा ये क्या बनना चाह रहा है, इसको देखिए तो 31 का स्क्वायर आपका 961 होता है प्लस 1 ये बन रहा है, इस वाले नंबर को देखें तो ये मेरा क्या है 33 का स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है ये, ठीक है, 33 का स्क्वायर आपका 1089 होता है, ओके तो प्लस 1 करने पे ये वापस आ जाएगा, तो ये नंबर को अगर हम देखें तो 840 प्लस 1 बनना चाहिए, तो 840 जो है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज
इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यही मेरा आंसर हो गया कि ये बाकी सब में परफेक्ट स्क्वायर बन रहे मगर इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो स्क्वायर और क्यूब की प्रायोरिटी दिया करिए, पहले स्क्वायर पे क्यूब प्लस वन माइनस वन जो भी है उसको उसी वे में लगा लिया करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर। 841 मेरा आंसर हो गया, यही मैंने बोला था आपसे आंसर। यहां पे आपके पास एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, सॉल्यूशन किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेरे पास क्या कहना चाह रहा है, 120, 99, 80, 63 एंड 48 ये नंबर्स मेरे पास है। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे मेरा डिफरेंसेस को अगर मैंने निकाले, फर्स्टली हम लोग का डिफरेंसेस ही निकालना चाहिए। तो यहां पे अगर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 21 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, 19 का आ रहा है, यहां पे मेरे पास कितने का आ रहा है, 17 का आ रहा है। देखिए एक सीक्वेंस में बढ़ रही है, एक सीक्वेंस में नंबर आपके पास चल रहा है, 21, 19, 17, मतलब आपके पास ऑड नंबर चल रहा है। तो ये मेरा कितना होगा, 15 होगा। तो जो अगला नंबर मेरा आएगा वो कितना आएगा, 13 लेस आएगा, मतलब मेरा क्या आएगा, 35 आएगा। 48 माइनस 13 मेरा कितना हो जाएगा, 35 मेरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 35 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, 35 मेरा आंसर हो गया। यहां पे मेरे, यहां पे आपके पास एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, जो मेरा अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन मार्क में फिल करना है। एक सीरीज दी गई है, सीरीज को ध्यान से समझें कि क्या कहना चाह रही है। अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 होगा, 9 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 25 को हम क्या ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 49 को लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, और यहां पे रह गया, और यहां पे हमारे पास क्या, 11 का स्क्वायर है। तो यहां पे क्या मिस हो गया हमारे पास, 9 का स्क्वायर मिस हो गया। 9 का स्क्वायर का मतलब हमारे पास नंबर क्या होगा, 81 होगा, 81 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, 81 मेरा आंसर। यहां पे एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, फिर से एक बार हमारे पास नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन आया है, जरा ध्यान से समझते हैं फिर से एक बार। मैंने आपसे कहा है कि सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पे डिफरेंसेस को निकालिए, डिफरेंस देखिए कि डिफरेंसेस मेरे क्या कहना चाह रहे हैं, उसी से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो अगर हम यहां पर डिफरेंसेस को देखें तो यहां से 2 का डिफरेंस है, फिर यहां पर डिफरेंस 1 का है, तो लगा कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम 2-2 का देखते हैं, 2-2 का डिफरेंस मेरा क्या कहना चाह रहा है। अगर यहां पे देखें तो कितना प्लस 3 हो रहा है, यहां पे अगर हम देखें तो कितना हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, फिर यहां से यहां अगर हम देखें प्लस 5, यहां से यहां देखें तो कितना हो रहा है, प्लस 6। तो यहां से मेरा यहां कितना होगा, प्लस 7 होगा। देखिए एक फॉर्मेट में चल रहा है, 3, 5, 7, ओके, फिर 9 जो भी आएगा आगे, तो 7 यहां से 7 आगे होगा, मतलब 14 प्लस 7 मेरा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करे तो सबसे पहले आप डिफरेंसेस को निकालिए, डिफरेंसेस से ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, बिना डिफरेंस के आप बता नहीं पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं, आंसर मेरा 21 हो गया। ये मेरा सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया मेरे पास, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। बहुत ध्यान से समझते हैं, अगर इस नंबर सीरीज को देखें, फिर से आप डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंसेस निकालेंगे, यहां पे माइनस 1 है, फिर यहां पे प्लस 5 है, फिर यहां माइनस 1 है, फिर यहां पे प्लस 5 है, ये भी फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है, चाहे आप कई फॉर्मेट चल रहे हैं आपके, देखें तो इस नंबर में कई सारे फॉर्मेट चल रहे हैं। अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, आपके पास प्लस 4 हो रहा है, यहां पे देखें तो क्या हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, यहां से यहां देखें तो कितना हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है। तो यहां से यहां क्या होगा, प्लस 4 होगा, मतलब कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 मेरा 10 हो जाएगा। ओके, तो 10 मेरा आंसर है। अगर इसको मैं और ध्यान से समझूं, एक तरीके से और हो सकता है, देखिए 3 के बाद मेरा क्या आया, 2 आया, 1 लेस आया, 7 के बाद मेरे पास क्या आया, 6 आया, 1 लेस आया,
तो 11 के बाद एक लेस मतलब कितना आएगा, 10 आएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, आंसर चेक करते हैं हम लोग अपना। 10 मेरा आंसर हो गया, ये मेरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहां पर क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इन अ सर्टेन कोड फायर इज कोडेड एज DGPC, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड शॉर्ट। ओके, चलिए देखते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है। फायर लिखा हुआ है, लिख लेते हैं हम लोग समझाने के लिए आपको। फायर, फायर का पोजीशन जो है ये एफ का क्या है, 6 होता है, आई का 9, आर का 18 और ये होता है मेरा 5। ओके, ऐसे डीजी का भी लिख लेते हैं, डीजीपीसी क्या है, डीजीपीसी। तो यहां पे अगर हम देखें तो डी 4 होता है, जी मेरा हो गया 7 और पी मेरा 16 और सी मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां पे देखें तो कितना डिफरेंसेस हो रहा है, -2, यहां पे कितना डिफरेंस हो रहा है, -2, तो सब जगह मेरा कितना डिफरेंस हो रहा है, -2 हो रहा है, तो मतलब मेरा -2 टी। अब यहां पे देखें टी जो होता है, टी ये होता है 20, टी मेरा 20 होता है, तो -2 मतलब क्या चाहिए मुझे, यहां पे -2 करूंगा तो मुझे 18 वाला चाहिए, 18 जो होता है मेरा किसका होता है, आर का होता है, मैंने लिखा है आर जो होता है मेरा 18 का होता है। ओके, तो मेरा आर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग है, अगर मुझे वेरिएबल का प्लेस पोजीशन अगर याद रहे कि किस पोजीशन पे नंबरिंग याद रहे, तो क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पोजीशन को याद रखें इसके लिए। तो 18 मेरा वैल्यू आ रहा है, तो 18 किसका होता है, आर का, तो टी का जो लेटर टी के लिए आएगा वो क्या आएगा, मेरा आर आएगा। आंसर चेक करते हैं, आर हो गया। यहां हमारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लीजिए यहां पर, यहां पर हमारा अल्फाबेटिकल पोजीशन दी गई है कि अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या क्या है, देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ है और M के सामने N लिखा है। ये जो हम देखेंगे तो ये हमारा क्या बनाना चाहा है, ये अगर हम देखें तो इन दोनों का सम 27 बनाने की कोशिश की गई है, 27 जिनका भी सम 27 होता है वो दोनों आपस आमने सामने होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर आपसे बोले H का अपोजिट क्या है, तो H आपका 8 है, तो इसका अपोजिट मतलब 27 कैसे बनेगा, 19 ऐड करेंगे तो 19 का पोजीशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, तो एच का अपोजिट क्या है, मेरा एस है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे अपोजिट पूछेगा तो दोनों वेरिएबल का सम जो होना चाहिए वो 27 होना चाहिए, वो आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और इसको याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इसको याद रख लीजिए, इजोटी मेरा 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 है, ये मेरा 25 है, ठीक है। तो ये कुछ 5 अल्फाबेट है जिनके नंबरिंग याद है, इनके आगे पीछे आप सोच सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। इजोटी एक वर्ड है, 5, 10, 15, 20 and 25 याद करने का तरीका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है हमारे पास, सीरीज का ही क्वेश्चन है। यहां पर देखा जाए तो क्या लिख रहा है, एफ जो लिख रहा है 216 लिख रहा है, एल का लिखना है कि एल का क्या होगा। अब देखिए एफ का मतलब क्या होता है, एफ जो होता है मेरे पास, अगर हम देखें यहां पास एफ, ये क्वेश्चन है, एफ मेरा क्या होता है 6, ये मेरा क्या है 6 का क्यूब है, और एल मेरा क्या होगा, एल मेरा आपका हो जाएगा 12, ये 12 होता है, तो 12 का क्यूब यहां पे आएगा, यहां पे मेरा जो आएगा आंसर वो 12 का क्यूब आएगा, तो 12 का क्यूब मेरा जो होता है 1728 होता है, 1728 होता है मेरा 12 का क्यूब, 1728 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके ओके, 1728 मेरा आंसर हो गया। अब यहां पे आप अपना एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ये देखिए, ये दिया हुआ है आपका 6th का, 6th पे है और 12th पर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, इफ अ सर्टेन लैंग्वेज प्रोज इज कोडेड एज PPOQE, बोला हाउ इज लाइट कोडेड इन दैट कोड। ओके चलिए लिखते हैं भाई इसको, पहले हम लोग लिखते हैं और समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये हो गया मेरे पास, यहां पे मुझे क्या लिखना है, PPOQE। ओके देखिए यहां पे कोई चेंज नहीं है, यहां पे चेंजेस हुआ है, यहां पे नो चेंज है, यहां पे चेंजेस हुआ है, यहां पे नो चेंज है। ओके
तो यहां पे भी अगर हम देखें जो हमको लिखना है लाइट का निकालना है LIGST का, तो वैसे ही करना है। पहला हमारा नो चेंज है तो लाइट ही आएगा, फिर तीसरा मेरा नो चेंज है तो जी आएगा, और लास्ट वाला मेरा नो चेंज है तो मेरा टी आएगा। अब जहां पे ये चेंजेस हुए हैं वहां पर देख ले क्या चेंजेस हुआ है। अगर आर को आप देखो तो 18 है, ये 16 है, मतलब कितना कम हुआ है, -2 हुआ है। ओके, यहां पे एस को देखें तो 19 है, ये मेरा 17 है, तो कितना कम हुआ, -2 हो रहा है, दो कम हो रहा है। अगर आई को देखें तो आई मेरा 9 है, 9 से -2 करेंगे तो कितना, 7 पोजीशन वाला चाहिए मुझे। ओके, तो मेरा 7 पोजीशन वाला, 7 पोजीशन वाला क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी हो जाएगा। ओके, तो यहां से मेरे पास एच है, एच मेरा कितना होता है 8 पोजीशन में 2 माइनस करेंगे तो मतलब कितना आ जाएगा, मेरे पास 6 पोजीशन वाला चाहिए मुझे, 6 पोजीशन वाला मेरा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, LGGFT हो जाएगा। ओके, चले चेक करते हैं आंसर, LGGFT मेरा आंसर। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहां पास, उसी क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या कहना क्या चाह रहा है कि समर इज कोडेड रनर द कोड फॉर विंटर इज, यहां पे भी देखेंगे कि कौन कौन सा चेंज हो रहा है, कौन सा नो चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये चीज, इसको ध्यान रखिएगा कि आप इसको लिख के करें ज्यादा बेस्ट है, तो क्वेश्चन आपके रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। SUMMER, समर को मैं लिख रहा हूं रनर, अब यहां पे देखें यहां पे मेरा क्या चेंजेस हुआ, ये 19 है, ये मेरा 18 है, यहां पे नो चेंज है, यहां पे मेरा क्या चेंज है, यहां पे 13 है, ये 14 है, मतलब +1 हो रहा है, यहां पे देखें तो +1 हो रहा है, यहां पे मेरा क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यहां पे भी मेरा क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ओके, 13 एंड 14, यहां पे नो चेंज, यहां पे नो चेंज, जो नो चेंज है उनको नो चेंज रखेंगे हम लोग, विंटर को लिखना है हमको, विंटर क्या होगा, तो देखिए पहला हमारे पास क्या था, एक लेस हुआ है, तो हम पहले W की पोजीशन समझ ले, ये W की पोजीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, W मेरा है 23। ओके, तो W 23 है, 23 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 22 हो जाएगा, 22 मेरा क्या होता है, V होता है, V। तो यहां पे अगर हम देखें ऑप्शन से ही देखें तो V मेरा सिर्फ एक ही में आ रहा है, बस V मेरा पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक में आ रहा है, तो मैं यहीं पे डायरेक्ट टिक कर सकता हूं, V वाला मेरा आंसर हो जाएगा, VIOUER, बाकी मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी आप समझ लीजिए कि यहां पे देखिए नो चेंज तो आई वैसे ही रहेगा मेरा, यहां पे देखिए क्या हुआ, एक लेस हुआ है, तो यहां पे एन है, तो एक लेस हो, यहां पे लेस हो जाएगा, 13 से मेरा 14 हुआ, सॉरी 13 से मेरा 14 हुआ है, तो यहां पे 14 से 15 हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, एन के बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे 13 से 14 हुआ, टी, टी के बाद टी 20 है, तो 21 आपका यू होता है, यहां पे नो चेंज मेरा यही रहेगा, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा VIOUER, ये मेरा आंसर हो जाएगा VIOUER। ओके, ये मेरा आंसर हो गया VIOUER, एक्सप्लेनेशन आपके पास है, देख लीजिए, ये मेरा इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं, यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाह रहा है, ये मिसिंग टर्म्स का क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म क्या कहना चाह रहा है, जरा ध्यान से समझते हैं क्या क्या करना है, देखते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, इसको फिल करते हैं किस तरीके से भरा हुआ है। तो 8 में क्या देखिए, यहां पास कुछ एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, 8 जो है मेरा वो 2 का क्यूब है, 64 मेरा क्या है, 4 का क्यूब है, और 216 जो है मेरा वो किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो देखिए एक सीक्वेंस में हो रहा है 2, 4, 6, तो अगला क्या होगा, 8 का क्यूब होगा, तो 8 का क्यूब मेरा क्या होता है, 512 होता है, 512 होता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा, 512। यहां पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया, आप एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये भी डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का है, हार्ड इज कोडेड एज 1357 एंड सॉफ्ट इज कोडेड एज 2468, व्हाट डू द फिगर 21448। ओके, तो चलिए दैट हम लोग वैल्यू को उठाते हैं और इसके लिए कौन से यहां पे अल्फाबेट्स हैं उसको लिखते हैं बस, ठीक है। वैसे इसको अगर हम और ध्यान से समझें, देखिए यहां पर स्टार्टिंग में हमारे लगभग सिमिलर दिख रहा है,
ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, फिर यहाँ पे SHOO, ओके। तो देखिए ऑप्शन मेरे स्टार्टिंग के तीन ऑप्शन जो है, स्टार्टिंग के चार लेटर मेरे सेम है, तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, लास्ट का देखूं, लास्ट मेरे लिए बेस्ट होगा। लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला जो मेरा एट है, एट किसके लिए आता है इसको चेक कर लूं, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर देखें तो एट जो है मेरा, एट जो है टी के लिए है। यहाँ पे अगर सॉफ्ट को आप देखें, जो सॉफ्ट लिखा हुआ है वो कैसे लिखा है, 2, 4, 6, 8, तो एट के लिए मेरे पास क्या है, टी है। तो जिसमें भी लास्ट में टी आ रहा है वही मेरा आंसर हो जाएगा। एट के लिए टी कहाँ पे है, शूट में है, तो SHOOT यही मेरा आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही बनाना है, आपको सबको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां मैंने लिख लिया, डायरेक्ट आंसर हो चुका है मेरा ये वाला। अगर हम इसको बनाएंगे कैसे, तो हार्ड को देख लीजिए, हार्ड क्या लिखा हुआ है, HARD, हार्ड लिखा हुआ है मेरा किससे, 1357 से, 1357 से बना हुआ है, हमें निकालना है 21448। तो 2 किसके लिए, S के लिए है, 1 किसके लिए है, 1 H के लिए है, और 4 किसके लिए, O के लिए, और 8 किसके लिए, T। तो मेरा ये हो जाएगा आंसर, शूट, ओके, ये हो गया, ये आंसर हो गया शूट मेरा। एक्सप्लेनेशन आप यहां पे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द ऑड नंबर लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। यहां से आपको ऑड वन आउट निकालना है, आपको ऑड वन आउट, ओके। यहां पे ध्यान समझते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग मेरा क्या कहना चाह रहा है, क्या सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। अगर हम देखें तो P मेरा कितना है, 16 है, Q मेरा कितना है, 17 है, X कितना है, 24 है, और Z कितना है, 26। अगर यहां पे देखें तो प्लस वन हो रहा है, यहां पे प्लस टू हो रहा है, एक सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है देखा जाए तो। यहां पे भी आप देख सकते हैं कितना है, 3 है, ये मेरा 17 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 14 है, तो यहां भी डिस्टर्ब है, सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप कुछ और तरीके देखेंगे, अगर देखें तो यहां पे क्या पी क्यू एक्स एक्स जेड सभी के सभी क्या कॉन्सोनेंट है, सी क्यू पी एन कॉन्सोनेंट है, पी आर एम एन सभी के सभी कॉन्सोनेंट है, मगर इस वाले में एक वॉवेल है, ए जो मेरा क्या है वो वॉवेल है, बाकी सारे नंबर में आप देखेंगे तो क्या है, सब में कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट चल रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन मेरा ऐसा है जहां पे क्या है वॉवेल है, तो मेरा आंसर जो ऑड वन आउट है यही हो जाएगा, वॉवेल वाला, ओके, वॉवेल वाला मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर है। एक्सप्लेनेशन, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, चूज द वर्ड दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड पेन। ओके, पेन के लिए आपको सही वर्ड ढूंढना है, यहां पे पेन के लिए क्या होगा, देखिए कट, कटने से क्या होता है, दर्द भी होता है, फिर ब्लीडिंग वगैरह भी होती है, तो कई सारी चीजें हो जाती कटने की वजह से। बर्न में भी वही चीज है, न्यूसेंस में देखा जाए तो किसी को गुस्सा दिलाना या रूठना चिढ़ाना कुछ भी कह लीजिए, ये हो गया। और हर्ट में देखिए, हर्ट जब आप किसी को दुख देंगे, हर्ट करेंगे तो क्या होगा, वहां पे दर्द होगा ही होगा, हर्ट करने पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको दर्द ही होगा, बाकी और कुछ चीजें नहीं होंगी। मगर कट बर्न में क्या होगा, और भी चीजें, और भी इंपैक्ट पड़ सकती हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेन का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली संबंध किससे, हमारा हर्ट से है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा, हर्ट, ओके। यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, क्या कहना चाह रहा है, ए इज 3 times as old as B, ओके। चलिए इसको हम लिख लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, ए इज 3 times as old as B, जो ए है वो बी का 3 times है, ए इज 3 times of B। सी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, सी जो है ट्वाइस एज ओल्ड एज ए 4 years ago, 4 साल पहले की बात कर रहा है, 4 साल पहले की बात। तो मान लीजिए सब जितने भी वेरिएबल है यहाँ पे उन सबकी एजेस को मैं ए बी सी के फॉर्म में ही लेके चल रहा हूँ, प्रेजेंट एज जो है वो ए बी सी डी जितने भी है उनको उसी वेरिएबल में मैं लेके चलूंगा प्रेजेंट एज के फॉर्म में। अगर 4 साल पहले की बात कर रहा है तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, 4-4 साल कम हो जाएगी। आपसे बोला सी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए 4 years ago, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों की एजेस में क्या हो जाएगा, 4-4 less हो जाएगा, और सी जो है वो ट्वाइस है किसका, ए की एज का, तो हम ए वाले सेक्शन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, सी ट्वाइस है, जब 2 इधर लगाएंगे तभी ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा,
ओके फिर नेक्स्ट हमारे पास इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले कहना क्या चाह रही है, ये हो जाएगा 2a माइनस 8 सी माइनस 4। अब यहां पर क्या रह गया हमारे पास देखते हैं, a will be 31, व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी। ओके सॉरी यहां पर पढ़ना भूल के देखिए क्या लिखा, इन फोर इयर्स टाइम, मतलब चार साल बीत जाने के बाद ए कितना हो जा रहा है, 31 का हो जा रहा है चार साल बीतने के बाद, तो ए प्लस 4 इक्वल्स टू 31, तो ए की जो हमारे पास एज प्रेजेंट एज आ गई वो कितनी आ गई, 31 माइनस 4 कितना हो गया 27 हो गया, ए की एज 27 ईयर्स हो गई, तो और यहां पास अगर बी की एज देखें, अगर ए 27 है तो बी कितना हो जाएगा, बी 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 ईयर्स हो जाएगा, बी बराबर 9 हो जाएगा। तो हमें बी और सी की एज पूछा है, बी 9 दो ऑप्शन में आ रहा है, सी का एज निकालना है, तो ए का वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं इस इक्वेशन में तो मेरे पास आ जाएगा, इस इक्वेशन में मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी की एज आ जाएगी 2 × 27 - 8 इक्वल्स टू सी माइनस 4, तो यहां पे कितना 54 माइनस 8 कर देंगे कितना जाएगा 46 हो जाएगा, 4 को इधर ले लेंगे तो सी मेरा कितना हो जाएगा 50 साल, बी मेरा कितना हो जाएगा 9 साल, 9 और 50 मेरा आंसर हो जाएगा, 9 and 50, ये वाला मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके जैसा स्टेटमेंट लिखा है वैसे वैसे मैं मैथमेटिकल टर्म में उसको बनाता चला गया और फिर मैंने सॉल्व कर दिया उसको, बस कुछ किया नहीं है, देख लेते आंसर, ये मेरा आंसर हो गया। आपके पास एक्सप्लेनेशन है, यहां पास आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है और समझ सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपके सामने देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, प्लेयर जानते हैं टीम का हिस्सा होते हैं, प्लेयर जो होते हैं वो टीम का हिस्सा होते हैं, मिनिस्टर किसका हिस्सा होते हैं, काउंसिल्स का होता है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा होते हैं, तो यहां पे देखिए क्या है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ने काउंसिल है तो काउंसिल का हिस्सा हो जाएंगे मिनिस्टर। ओके तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा काउंसिल, ठीक है, तो प्लेयर जो होते हैं टीम का हिस्सा होते हैं, मिनिस्टर जो होते हैं वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल का हिस्सा होते हैं, ठीक है, तो मेरा काउंसिल मेरा आंसर हो जाएगा काउंसिल। ओके यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, यहां पे अगर देखें क्या लिखा हुआ है, इसको मैं लिख लेता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ए बी बी सी फिर ए ए बी सी सी ए बी बी सी सी। ओके अगर इसको मैं थोड़ा सा पार्टीशन चार चार लेटर में पार्टीशन कर देता हूं, मैं टोटल है कितने मेरे पास 12। ओके चलिए देखते हैं, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, आप देख रहे हो यहां पे डबल बार बी आ रहा है, डबल बार ए आ रहा है, डबल बार सी आ रहा है, फिर लास्ट वाले को देखिए तो दो बार बी बी और सी सी आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हर एक लेटर जो है वो डबल डबल के फॉर्म में है, दो दो के फॉर्म में है, तो यहां पे अगर मैं फिल करूं तो यहां मेरा क्या आना चाहिए, यहां पे मेरा ए आना चाहिए, तो ए ए बी बी, तो सी सी भी होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, यहां पे सी आना चाहिए सी सी, फिर ए ए बी के साथ क्या आएगा बी बी हो जाएगा, सी सी ए ए ए ए बी 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 और सी सी, तो कौन सा फॉर्मेट हो गया मेरा, क्या क्या आया, ए आया है, सी आया है, बी आया है और ए आया है, तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, देखते हैं कहां पे मेरा आंसर है, ए सी बी ए, ए सी बी ए, ये मेरा आंसर हो गया ए सी बी ए। देखिए आपको यहां पर क्या होगा, सीक्वेंस को पकड़ना पड़ेगा, सीक्वेंस क्या कह रहा है कि कौन सा फॉर्मेट चल रहा है, उसी फॉर्मेट में आपको फिल करना होगा, और एक को देखने से समझ नहीं आएगा, आपको सबको चेक करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। ओके चलिए देखते हैं, आंसर मेरा ए सी बी ए हो गया, यहां पे मेरा एक्सप्लेनेशन दिया होगा, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट। ओके ये भी वही चीज है, तो यहां पे भी फिर से आप अगर आप देखोगे तो चलिए मैं लिखता हूं यहां पास एस। ओके तो देखिए यहां पास क्या हो रहा है, टी टी डबल फॉर्म में आ रहा है आपके पास, टी 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 डबल डबल आ रहा है, तो एस के बाद टी टी आ रहा है, एस के बाद टी टी आ रहा है, तो यहां पास मेरे पास क्या आना चाहिए, यहां पे मेरे पास टी आना चाहिए, क्योंकि एस के बाद क्या आ रहा है, डबल टी आ रहा है, तो एस के बाद क्या आएगा, यहां पे टी आएगा, फिर यहां भी टी आएगा मेरा, तो क्या होगा, एस के बाद डबल टी होगा, देखिए एस के बाद डबल टी हो गया, फिर यहां पे क्या आएगा, एस आएगा, डबल टी, फिर यहां पे क्या आएगा, एस आएगा, तो मैंने भरा क्या है, टी भरा है, एस भरा है, एस भरा है और टी भरा है,
ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया टी डबल एस टी। टी डबल एस टी कहां पे, ये टी डबल एस टी मेरा ये आंसर हो गया। ओके, ये मेरा आंसर है टी डबल एस टी। यहां पे मेरा एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहना चाह रहा है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट इन द सेम वे स्कूल इज रिलेटेड टू, स्कूल किससे रिलेटेड है। अब आप जान रहे हैं भाई कि हॉस्पिटल में क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो स्कूल में क्या होगा, स्कूल में एजुकेशन दी जाएगी, पढ़ाई होगी, और क्या होगा, एजुकेशन हो जाएगा। मेरा आंसर यहां पास, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है, तो एजुकेशन मेरा आंसर है। यहां पे मैं अपना आंसर चेक कर लेता हूं, एजुकेशन यहां पे मेरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, चेक कर लीजिए आप, देख लीजिएगा। ओके, तो ये हमारी सीरीज रीजनिंग की, जिसके 30 क्वेश्चन की सीरीज थी, जो आपके एग्जाम डी ट्रिपल एस बी के लिए थी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।